सेक्शन वन की तरफ देखते हैं, इसमें व्यू की बात की जा रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ व्यू। देखो दोस्तों, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें नॉट लग जाता है, नॉट जहां पर लग जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि अक्सर इनमें क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर नॉट की बात की जा रही है कि नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। तो पहले व्यू की बात करते हैं। व्यू हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया था। व्यू से रिलेटेड कई क्वेश्चंस, कई कॉन्सेप्ट्स बनते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशंस में पूछे जाते हैं। तो व्यू की हम बात करते हैं। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये एक या एक से ज्यादा टेबल से कॉलम्स को, रोज को उठा के इसकी एक डेफिनेशन बनाई जाती है और उस डेफिनेशन को डेटा डिक्शनरी में स्टोर कर दिया जाता है और उस डेफिनेशन को नाम दे दिया जाता है एक व्यू का। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है और ये डिराइव्ड होता है दूसरी टेबल से। तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन से ऑप्शंस सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों। ए व्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अदर टेबल्स, बिल्कुल ठीक बात है, ये दूसरी टेबल से इसको डिराइव किया जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं दोस्तों। ए व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, बिल्कुल ठीक बात है, व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों। ए व्यू डेफिनेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड एज पार्ट ऑफ द डेटाबेस, ये ठीक नहीं है। व्यू की डेफिनेशन परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है, इसकी डेफिनेशन डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों। द व्यू नेवर कंटेन्स डिराइव्ड कॉलम्स, ये गलत बात है, ये तो डिराइव्ड कॉलम्स को रखता है, ये नेवर की बात कर रहा है, तो ये ऑल ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो सही नहीं है वो हमें बताना है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए व्यू डेफिनेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड एज पार्ट ऑफ द डेटाबेस, ये सही नहीं है, बाकी यहां पर सब ठीक होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। इन ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो इसमें रिलेशनशिप का नोटेशन पूछा जा रहा है, किस आइकन से, किस नोटेशन से हम रिलेशनशिप को डिपिक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको हम डिपिक्ट करते हैं एक डायमंड शेप से, इस तरह से, ये डायमंड शेप होता है। ठीक है, और इससे हमारे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो हमारे एंटिटीज होते हैं और एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को दिखाया जाता है, एसोसिएशन, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एक डायमंड। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। डी, इलिप्स जो यूज़ होता है, इलिप्स दोस्तों ये यूज़ होता है किसके लिए? एट्रीब्यूट के लिए। जो डैश्ड इलिप्स होता है, डॉटेड इलिप्स होता है दोस्तों, ये यूज़ होता है किसके लिए? डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट के लिए। और दोस्तों ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसके लिए यूज होता है? ये एंटिटी सेट के लिए यूज होता है, एंटिटी सेट के लिए। तो दोस्तों ये नोटेशंस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर हम इनको याद रखेंगे तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं दोस्तों। टू डिलीट ए पर्टिकुलर कॉलम इन ए रिलेशन, द कमांड यूज्ड इज, हमें किसी टेबल में, रिलेशन बोले या टेबल बोले एक ही बात है, ऑल्टरनेटिवली टर्म्स यूज होते हैं। जब हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात करते हैं तो हम उसको रिलेशन बोलते हैं, जब डेटाबेस की बात करते हैं, आरडीबीएस की बात करते हैं तो उसको टेबल बोला जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि किसी टेबल में से अगर हम किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो कौन सी कमांड यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर कई कन्फ्यूजन होते हैं, ध्यान रखना, जब कभी भी टेबल के स्ट्रक्चर के साथ काम करना होता है, क्योंकि यहां पर हम टेबल के कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, मतलब कि टेबल के स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं, तो इस रिगार्ड्स में हमारी कौन सी कमांड का सेट यूज होता है? डीडीएल, डीडीएल कमांड का सेट यूज होता है। और डीडीएल के अंदर कौन कौन से कमांड्स होते हैं? डीडीएल के अंदर एक कमांड होता है जिसका नाम है क्रिएट कमांड, एक कमांड यूज होता है जिसका नाम है ऑल्टर कमांड, और एक कमांड है जिसका नाम है ड्रॉप कमांड। इसके अलावा एक और होता है, ट्रंकेट भी यूज होता है इसके अंदर में। तो जो क्रिएट कमांड है वो यूज होता है डेटाबेस में टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। जो ऑल्टर कमांड है ये यूज होता है डेटाबेस के अंदर टेबल्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, और ड्रॉप होता है टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहां पर हमसे क्या कहा जा रहा है? टेबल के कॉलम को डिलीट करना है, तो मतलब कि टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है। तो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, ऑल्टर कमांड। तो ऑप्शन थ्री, ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री का यहां पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं, ये ईआर डायग्राम की बात की जा रही है। ईआर डायग्राम में जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो ईआर डायग्राम में जो है दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है जनरलाइजेशन और एक होता है स्पेशलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है? जनरलाइजेशन जो होता है
और स्पेशलाइजेशन दोनों रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे की, ठीक है। ये उल्टा ट्रायंगल यूज होता है जो कि यूज होता है स्पेशलाइजेशन को और जनरलाइजेशन को डिपिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका डिपिक्शन होता है। तो ये अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ इसको ट्रेस करते हैं तो हम इसको स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, अगर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेस करते हैं तो इसको जनरलाइजेशन बोलते हैं। होता क्या है कि हम एक एंटिटी सेट, जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरलाइज एक कॉमन एंटिटी सेट है, जैसे हमने बोला पर्सन, एक एंटिटी सेट हमने लिया पर्सन, ठीक है, ये पर्सन एंटिटी सेट है। तो पर्सन एंटिटी सेट, अब देखो पर्सन एक, हमने बोला कि पर्सन एक कस्टमर भी हो सकता है, पर्सन एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो हम पर्सन को स्पेशलाइज करना चाहते हैं, तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते आते हमने क्या किया, यहां पर इसको एम्प्लॉय बोल दिया और इसको बोल दिया कस्टमर, हमने इसको दो भाग में तोड़ दिया, इसको हमने बोला एम्प्लॉय और इसको हमने बोला कस्टमर, ठीक है। तो पर्सन को हमने स्पेशलाइज किया एम्प्लॉय, पर्सन को हमने स्पेशलाइज किया कस्टमर। तो जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेस करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेस करते हैं तो इसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर ही जनरलाइजेशन की बात की जा रही है। तो जनरलाइजेशन को कैसे डिपिक्ट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइंगल। तो ऑप्शन नंबर यहां पर फोर्थ ठीक हो जाएगा, ट्राइंगल, ठीक है। डैश डिलीट हमने पहले यूज देखा था इसके बारे में। एलिप्स यूज होता है एक ट्रिब्यूट को डिस्प्ले करने के लिए, डैश एलिप्स यूज होता है डिराइव एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए, रेक्टेंगल यूज होता है एक एंटिटी सेट को डिपिक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है डैश इज अ वर्चुअल टेबल। देखो वर्चुअल टेबल की बात आती है तो हम आंख बंद करके इसका ऑप्शन लगा सकते हैं ए, व्यू। व्यू इज अ वर्चुअल टेबल दैट ड्रॉज इट्स डेटा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। हम एक एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि टेबल से कॉलम्स को रोज को फैच करता है, उस स्टेटमेंट को हम एक व्यू का नाम दे देते हैं, और वो डेफिनेशन जो बनती है वो डेटा डिक्शनरी में जाके स्टोर हो जाती है, और उतना पोर्शन फिर व्यू के नाम से सेव हो जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, कि जब हमें उस पर्टिकुलर डेटा की एक बड़े टेबल में से छोटे से पार्ट को बार बार हमें यूज करना पड़ता है, तो हम टेबल को अगर हम डायरेक्टली पॉइंट आउट कराएंगे, एक्सेस कराएंगे, तो हमें टेबल को बार बार ट्रेस करना पड़ेगा, बड़ी टेबल को, उससे टाइम कंज्यूम होता है। तो हम क्या करते हैं, उस छोटे से पोर्शन को एक अलग नाम दे देते हैं जिसको हम व्यू बोल देते हैं। एक्चुअली वो टेबल में रहेगा डेटा, हम सिर्फ उसको रेफरेंस करेंगे व्यू के नाम से। तो जब भी हमें उस पर्टिकुलर छोटे से डेटा की जरूरत पड़ेगी तो हम टेबल को हिट ना करके डायरेक्टली उस व्यू को हिट करते हैं। तो व्यू उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन को फोकस करता है और वहां से डेटा को उठा के आप लाके आपको देता है, जो कि क्विक टाइम में आपको रिस्पॉन्स देता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है व्यू को यूज करना, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्यू, ठीक है। और जो दूसरे टर्म्स यहां पर दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सिनोनिम, ठीक है। ये सिनोनिम जो होता है, ये टेबल का एक ऑल्टरनेटिव नेम बना लिया जाता है। मान लीजिए एक टेबल का नाम है कोई एम्प्लॉई, ठीक है, आपको बार बार इसको यूज करना अच्छा नहीं लग रहा तो इसके नाम को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक और नाम आप दे सकते हो ईएमपी। तो सिनोनिम उसके लिए एक ऑब्जेक्ट यूज होता है, ये आपके डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से सीक्वेंस एक ऑब्जेक्ट है, जो भी ये भी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। आप जो है कोई सीक्वेंस बना सकते हो, क्रिएट कमांड को यूज करके सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 या 2 4 5 इवन नंबर का, ऑड नंबर का, या किसी और भी कोई भी सीक्वेंस आप जनरेट कर सकते हो, और फिर उन सीक्वेंस को अपने टेबल में किसी भी कॉलम में इंसर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, व्यू हुआ, सिनोनिम हुआ, सीक्वेंस हुआ, ये हमारे डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ट्रांजेक्शन जो हमारे डेटाबेस में एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन अब एक कंसेप्ट होता है जिसमें डीएमएल ऑपरेशंस को रखा जाता है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 का ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 6 देखते हैं। ए टेबल जॉइंट विद इटसेल्फ इज कॉल्ड, जब टेबल को खुद से जोड़ते हैं, खुद से ज्वाइन लगाते हैं, तो उसको सेल्फ ज्वाइन का कंसेप्ट बोला जाता है दोस्तों। तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। इसी तरह से इक्वी ज्वाइन होता है, इक्वी ज्वाइन का वो कंसेप्ट है, बेसिकली ये सारे हमारे डेफिनेशंस हैं। तो सेल्फ ज्वाइन की डेफिनेशन क्या होती है, जब एक टेबल खुद से जुड़ती है, एक टेबल को उसी टेबल से जोड़ा जाता है, ज्वाइन लगाया जाता है, उसको सेल्फ ज्वाइन कंसेप्ट बोला जाता है। इक्वी ज्वाइन, जब हम दो टेबल को आपस में ज्वाइन लगा रहे हैं और कंडीशन में इक्वल ऑपरेटर यूज किया जा रहा है, तो उसको इक्वी ज्वाइन बोलते हैं। आउटर ज्वाइन जो होता है वो इनर ज्वाइन और कुछ कंडीशन का कॉम्बिनेशन होता है। आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन का कंसेप्ट पहले समझ लेते दोस्तों। इनर ज्वाइन में दो टेबल से किसी कॉलम के बेस पर मैचिंग रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया जाता है। आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि मैचिंग और अनमैचिंग दोनों टाइप के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया जाता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि हमें जो मैचिंग रिकॉर्ड है दो टेबल के किसी कॉलम के बेस पर वो भी डिस्प्ले हो जाए, प्लस
जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे हैं वो भी डिस्प्ले हो जाए। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती है, तो आउटर ज्वाइन उसको हमारा फुलफिल करता है। और ज्वाइन कीवर्ड हमारा सिंपल कीवर्ड है जो कि यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सेल्फ ज्वाइन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू रिड्यूस दी रिडेंडेंसी, डुप्लीकेसी को कम करने के लिए यूज होता है, प्लस जो हमारे डेटाबेस में एनोमलीज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको एलिमिनेट करना होता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे डेटाबेस से रिडेंडेंसी, डुप्लीकेसी को कम करता है। पूरी तरह नहीं हटाया जा सकता, लेकिन जितना कम हो सकता है उतना कम किया जाता है, प्लस जो एनोमलीज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इंसर्शन करते समय प्रॉब्लम, अपडेशन करते समय प्रॉब्लम, डिलीशन करते समय प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में कई नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, BCNF, ऐसे करके हमारे नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक ये नॉर्मल फॉर्म, इनकी कंडीशन देख लेते हैं एक एक लाइन की। जो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक स्टेटमेंट हमें याद रखना होता है कि हमारी टेबल में वैल्यूज एटॉमिक होनी चाहिए। मतलब कि जैसे हम नेम नाम का कॉलम है, तो नेम नाम के कॉलम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक ही सेल में नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, फर्स्ट नेम अलग लास्ट नेम अलग। जैसे हम दोस्तों देखते हैं, कई हम फॉर्म फिल करते हैं, इवन हम फेसबुक पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, कई जगह हम फॉर्म फिल करते हैं, तो वहां पर भी हमसे देखो ये अलग अलग वैल्यूज पूछी जाती हैं। आपका फर्स्ट नेम अलग पूछा जाएगा, लास्ट नेम अलग पूछा जाएगा, एड्रेस में स्ट्रीट नंबर अलग पूछा जाएगा, स्टेट अलग पूछा जाएगा, पिन कोड अलग पूछा जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये एटॉमिक वैल्यूज होती हैं, एक सेल में एक वैल्यू। ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन होती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी चेक किया जाता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये होता है कि आपकी टेबल में जो प्राइमरी की है, अगर प्राइमरी की दो कॉलम से मिलकर बनी है, तो जितने भी प्राइमरी की के अलावा जितने भी दूसरे कॉलम्स होंगे वो कंप्लीटली हमारी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी का कांसेप्ट यहां पर आता है। तो जब कभी भी टर्म यूज होगा डिपेंडेंसी, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ऐसे टर्म्स यूज हो, तो आप समझ जाइए कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात चल रही है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में दोस्तों एक टर्म यूज होता है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। आपकी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी टेबल में मान लीजिए कुछ कॉलम्स हैं, एम्प्लॉई, सैलरी, एड्रेस। तो मान लीजिए एम्प्लॉय कोड, सैलरी, एड्रेस। एम्प्लॉय कोड आपकी टेबल में प्राइमरी की है, तो जो दूसरे कॉलम्स हैं केवल वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, आपस में डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन होती है दोस्तों मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, MVD, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। आपकी टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि नॉर्मल फॉर्म, ऐसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जिसमें एक कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। एक कंपोजिट एट्रीब्यूट इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है नेम, तो उसको इंडिविजुअल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी नॉर्मल फॉर्म होगी दोस्तों? अभी हमने बात की थी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऐसा होता है जिसमें कि जो कई वैल्यूज हैं सिंगल सेल में रखी हुई हैं, उनको अलग अलग सेल में तोड़ा जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात की जा रही है। टेबल्स इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन है? एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसीज, ऐसा तो नहीं होता है इसमें। ऑप्शन बी देखते हैं, एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंसर्शन एनोमलीज, ये भी ऐसा नहीं होता इसमें, ये तो पहली हो जाती सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं हैव ए कंपोजिट की, कंपोजिट की किसी में भी हो सकता है। फिर इसमें देखते हैं हैव ऑल नॉन की फील्ड्स डिपेंड ऑन द होल प्राइमरी की, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अभी हमने बात की थी जब कभी भी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी की बात की जाती है, तो इसका मतलब है कि हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो जब नॉन की फील्ड्स कंप्लीटली फुल्ली प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो हमारा जो रिलेशन है वो कौन सी नॉर्मल फॉर्म में होता है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉर्मल फॉर्म इज फॉल्स। देखो फिर से फॉल्स आ रहा है, नॉट ट्रू। तो इसको मैं बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। BCNF इज स्ट्रिक्टर देन 3NF, बिल्कुल ठीक बात है। BCNF जो है 3NF से ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, हमें गलत बताना है। तो BCNF इज स्ट्रिक्टर देन 3NF, यस 3NF से ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कंपोजिशन इनटू 3NF इज ऑलवेज पॉसिबल, यस 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन है हमेशा पॉसिबल होता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों बिल्कुल ठीक है, हमें गलत चूज करना है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों,
लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इंटू बी सी एन एफ इज ऑलवेज पॉसिबल, ये दोस्तों गलत है, बी सी एन एफ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बी सी एन एफ में हम फोकस करते हैं कैंडिडेट की के ऊपर, और कैंडिडेट की हमारी टेबल में कई हो सकते हैं, ठीक है। थ्री एन एफ जो हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसमें प्राइमरी की के ऊपर फोकस करते हैं, प्राइमरी की में एक होता है वहाँ पर, इसलिए सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, तो बी सी एन एफ में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों, एनी रिलेशन विथ टू एट्रीब्यूट्स इज बी सी एन एफ व्यू, यस बिल्कुल ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, अगर दो आपकी टेबल में दो कॉलम है तो 100% वो बी सी एन एफ की बात की जा रही है, तो तीनों ऑप्शन ठीक है, बस ये वाला गलत है सी। तो हमारा इस नाइन्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू बी सी एन एफ इज ऑलवेज पॉसिबल, ये आपका ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन के लिए ठीक होगा क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, विच फॉर्म्स हैज अ रिलेशन दैट पजेसेस डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी। तो देखो दोस्तों यहां पर देखो हमने बात की थी, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है, वो पार्शियल डिपेंडेंसी या फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात की जाती है। दोस्तों जो 3NF में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात करते हैं, सेकंड में हम पार्शियल डिपेंडेंसी या फिर फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं, 3NF में हम ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, 5NF में हम जॉइंट डिपेंडेंसी की बात करते हैं, और 4NF में हम बात करते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, MVD, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जब एक्स, जब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की हम बात करते हैं दोस्तों, तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फॉर्म हैज अ रिलेशन दैट पजेसेस डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी। दोस्तों देखो चार नॉर्मल फॉर्म दे रखी हैं, इनमें से हमें बताना है कि इंडिविजुअल एंटिटी की बात यहां पर कहां पर की जाती है, कौन सी नॉर्मल फॉर्म में की जाती है। तो दोस्तों देखो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात हमने अभी की थी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म फोकस करता है किसके ऊपर, सेकंड नॉर्मल फॉर्म फोकस करता है पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर, कंपोजिट की के ऊपर। थर्ड नॉर्मल फॉर्म फोकस करता है किसके ऊपर, ट्रांजिटिविटी के ऊपर। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म फोकस करता है किसके ऊपर, जॉइंट डिपेंडेंसी के ऊपर। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म फोकस करता है किसके ऊपर, एमवीडी के ऊपर, एमवीडी के ऊपर, ठीक है। तो एमवीडी का कंसेप्ट क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सी, ठीक है। और सी कैसे होगा देखो एक बार देख लेते हैं दोस्तों इसको, एमवीडी की यहां पर बात की जाती है, एमवीडी, एमवीडी का मतलब होता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को दिखाने के लिए आपकी टेबल में कम से कम तीन कॉलम का होना जरूरी होता है, मान लीजिए एक कॉलम है एक्स, एक कॉलम है वाई और एक कॉलम है जेड, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स डबल एरो वाई, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि मतलब कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की कई वैल्यूज अवेलेबल हैं, और एक्स की उस एक वैल्यू के लिए जेड की भी कई अलग वैल्यूज अवेलेबल हैं, और ये वाई की और जेड की वैल्यूज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। इसी कंसेप्ट को हम एमवीडी बोलते हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो यहां पर एक्स की जो है एक वैल्यू की बात की जा रही है, तो यहीं पर बात कर रहे हैं देखो जब हम अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी, एक इंडिविजुअल एंटिटी के बारे में फोकस करते हैं, तो यहां पर कौन सी नॉर्मल फॉर्म की बात की जाती है, नॉर्मल फॉर्म नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11, इफ देयर इज मोर देन वन की फॉर रिलेशनल स्कीमा इन DBMS देन ईच की इन रिलेशन स्कीमा इज क्लासिफाइड एज। तो देखो जब कभी भी आप देखो हमारे डेटाबेस में जैसे प्राइमरी की होती है, हमारे डेटाबेस में प्राइमरी की हमारी टेबल के लिए, एक टेबल के लिए प्राइमरी की एक ही होती है, हमारी टेबल के लिए सुपर की बहुत सारे हो सकते हैं, हमारी टेबल के लिए कैंडिडेट की बहुत सारे हो सकते हैं, और हमारी टेबल के लिए, ठीक है ये देखो प्राइमरी की रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो सुपर की प्राइमरी की, देखो प्राइमरी की तो एक ही होता है और कैंडिडेट की और सुपर की कई हो सकते हैं, तो अब हमारे पास दो चॉइस में से एक ऑप्शन को चूज करना है कि सुपर की को चूज करें या फिर कैंडिडेट की को चूज करें। तो देखो दोस्तों जब कभी भी की बात करेंगे, ठीक है जब प्रैक्टिकली हम की बात करेंगे, तो अगर आपको एक की बात की जा रही है तो हम चूज करेंगे प्राइमरी की, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल कीज की बात की जा रही है तो हमेशा हम चूज करेंगे कौन से ऑप्शन को दोस्तों, कैंडिडेट की को, कैंडिडेट की, क्योंकि कैंडिडेट की में से ही हम किसी एक की को प्राइमरी की बनाते हैं, और कैंडिडेट की वो सारी की सारी हमारी प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल होती हैं, जबकि सारी सुपर की प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं। हम सुपर की के सेट में से कुछ कीज को कैंडिडेट की बनाते हैं, कैंडिडेट की के सेट में से कुछ कीज को, एक की को हम प्राइमरी की बनाते हैं, लेकिन वो सारी की सारी कैंडिडेट की प्राइमरी की बनने के लिए पूरी तरह एलिजिबल होती हैं। तो जब कभी भी हमें इस तरह का ऑप्शन मिलते हैं, कई की बात की जाती है, तो वहां पर कैंडिडेट की को हम चूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी, कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस व्हिच गारंटीज दैट
Functional dependencies are represented in separate relations after decomposition is classified as. Decomposition के बाद जहां पर functional dependencies रहती हैं, preserve होती हैं, उस concept को हम क्या बोलते हैं? Dependency preservation. C. तो इस question का answer हमारा क्या हो जाएगा? Dependency preservation property. हमारी टेबल में जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं और जब हम उस टेबल को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद भी हमारे डेटाबेस में उस टेबल के जो मल्टीपल टेबल्स बने हैं उनके अंदर डिपेंडेंसीज प्रिजर्व रहते हैं. इसको हम डिपेंडेंसी प्रिजर्व प्रॉपर्टी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी. दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. रूल विच स्टेट्स दैट एडिशन ऑफ सेम एट्रीब्यूट्स टू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड विल रिजल्ट इन अदर वैलिड डिपेंडेंसीज क्लासिफाइड एज. दोस्तों ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग्स इन्फ्रेंस रूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर सेट बनाते हैं. एफ को हम एफ प्लस में कन्वर्ट करते हैं. हमें एफ दिया गया है, ठीक है, डिपेंडेंसी का सेट जो भी दिया गया है हम इसको एफ प्लस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है. तो हम एफ में जो डिपेंडेंसीज अवेलेबल हैं उनके ऊपर आर्मस्ट्रॉन्ग के इन्फ्रेंस के या फिर एग्जाम्स के रूल्स को अप्लाई करके कुछ डिपेंडेंसीज को बनाते हैं, डिराइव करते हैं और उन डिपेंडेंसीज को पुराने डिपेंडेंसी के सेट में जोड़ के उस पूरे सेट को हम एफ प्लस बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ही कुछ रूल्स हैं, ये हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग के रूल्स हैं. तो ये वही पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई डिपेंडेंसी आपको दी गई है ए, अगर आपको एक डिपेंडेंसी दी गई है ए टेंड्स टू बी, तो आपसे क्या कहा गया कि इसके लेफ्ट साइड में आपने कुछ ऐड कर दिया मान लीजिए सी और इसके राइट साइड में आपने कुछ ऐड कर दिया मान लीजिए सी, तो एक वैलिड डिपेंडेंसी मानी जाएगी. तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं? इस रूल को दोस्तों हम बोलते हैं क्या? ऑगमेंटेशन रूल. ऑगमेंटेशन रूल इसको बोलते हैं, ऑगमेंटेशन रूल. तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी. तो दोस्तों प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग रिलेशन स्कीमा टू अचीव मिनिमल रिडेंडेंसी एंड इंसर्शन और अपडेट एनोमलीज इज क्लासिफाइड एज. तो रिडेंडेंसी को कम करना, एनोमलीज को हटाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अभी हमने बात की थी पिछले क्वेश्चंस में, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा. अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. इफ एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन स्कीमा आर इज मेंबर ऑफ सम कैंडिडेट की, ठीक है, देन दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स आर क्लासिफाइड एज. अगर कोई एट्रीब्यूट किसी कैंडिडेट की का पार्ट है तो उस एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट. प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट उसको बोला जाता है. और जो ऐसा एट्रीब्यूट जो की का पार्ट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. प्रोसीजर ऑफ स्टोरिंग हायर नॉर्मल फॉर्म रिलेशंस विच आर इन लोअर नॉर्मल फॉर्म एज बेस रिलेशन इज क्लासिफाइड एज. तो ये रिवर्स प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, इसको हम बोलते हैं डी नॉर्मलाइजेशन. अगर हमें मल्टीपल टेबल्स दी गई हैं, अगर हम उनको जोड़ देते हैं एक सिंगल टेबल में, इस प्रोसेस को हम डी नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18. इफ एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन स्कीमा आर इज नॉट अ मेंबर ऑफ सम कैंडिडेट की, देन दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज क्लासिफाइड एज. अभी हमने बात की थी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ऐसा एट्रीब्यूट जो आपकी की का पार्ट नहीं होता है तो वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है. दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नॉर्मलाइजेशन फॉर्म विच इज बेस्ड ऑन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज क्लासिफाइड एज. अभी हमने बात की थी इसके बारे में, ट्रांजिटिविटी किस फॉर्म नॉर्मल फॉर्म से एसोसिएटेड है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म से. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से एसोसिएटेड है एटॉमिसिटी, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड है फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर पार्शियल डिपेंडेंसी या फिर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से एसोसिएटेड है एमवीडी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और थर्ड नॉर्मल फॉर्म से एसोसिएटेड है क्या? ट्रांजिटिविटी. तो दोस्तों ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हमने इनको कोशिश की है कि सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ इनको एक्सप्लेन किया जाए. तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा. थैंक यू दोस्तों, चलते हैं, बाय बाय.